हेलो गाइज, नमस्ते। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप सर फेज टू का स्ट्रेटेजी शेयर करिए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ESI और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का जो पेपर है फेज टू में, उसको हम कैसे सेल्फ स्टडी से टैकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि RBI ग्रेट बी का एक सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए अपने डेस्कटॉप पे, और ईच एंड एवरी वर्ड जो सिलेबस का है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईच एंड एवरी वर्ड आपको गूगल करना है, उसके बारे में बेसिक्स आपको पता कर लेने हैं। तो सिमिलर केस आप ESI का फेज टू का सिलेबस ले लीजिए, उसमें जो जो टॉपिक्स मैंशनड हैं उस सब का आपको पहले बेसिक कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंशनड है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे कुछ वर्ड कीवर्ड्स मैंशनड हैं, हेल्थ एजुकेशन मैंशनड है। तो सबसे पहले आपको इनका बेसिक्स पता करना है अपने को। अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक्स नहीं पता है तो गूगल पे जाइए, पता करिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और उसके हिसाब से अपने अपने टॉपिक वाइज एक नोटबुक लगा लो। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर में ESI का फोल्डर लगा लो और उसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक वर्ड फाइल लगा लो, या कोई और सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें अपने शॉर्ट नोट्स ऐड करते जाने हैं। तो इसमें अगर आप सिलेबस एक बार देखेंगे तो मेनली, और पास्ट ईयर क्वेश्चन से एक बार देखेंगे तो मेनली चार पांच चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो स्टैटिक पार्ट है सिलेबस का, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, या ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं कि इसका फॉर एग्जाम्पल 10th गोल कौन सा है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, या फिर डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, हाउ इंडिया कैन अचीव देम, या फिर इंडिया का भी स्टेटस क्या है, राइट। तो आपको ये सब बेसिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो इसका प्रिपरेशन हम कहाँ से कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक पार्ट के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो ना, आप 11 की एक बेसिक इकोनॉमिक्स की एक NCERT आप एक बार देख लीजिए। उसमें पॉवर्टी वगैरह ये सब जो सिलेबस में डायरेक्टली मैंशनड है, वो सब सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो NCERT में ऑलरेडी दिए हुए हैं। एक बार अगर आप एक उसकी बेसिक रफ रीडिंग ले लेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली क्या करिए, मृणाल की जो भी ये सीरीज है वो सारी बेसिक्स बेसिक्स एक बार आप कवर कर लीजिए। उसमें आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाला जो पर्टिकुलर ईयर का जो भी आप वीडियो देख रहे हैं जिस ईयर की, वो छोड़ दीजिए क्योंकि वो हर साल चेंज हो जाता है। उसमें आप बेसिक्स सारा देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, IMF क्या होता है, वो सब उसमें कवर्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हेल्थ क्या है, हेल्थ एजुकेशन और ये सब की स्कीम्स भी उन्होंने दी हुई है, बैंकिंग क्या है, टाइप्स ऑफ मनी क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, आई होप ये सब आप उसमें ऑलरेडी कवर कर लेंगे। तो मृणाल की जो फ्री में अवेलेबल से वीडियोज हैं वो सफिशेंट हैं, कुछ पेड आपको कोर्स लेने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें, स्पेशली फॉर RBI ग्रेड भी, क्योंकि वो पूरा का पूरा सीरीज UPSC पर्पज के लिए उन्होंने बनाया है। उनके नोट्स भी वैसे मिल जाते हैं, आप देख लीजिए गूगल पे कहीं, वो सब आप एक बार रीड कर लेंगे तो ESI का बेसिक्स जो स्टेटिक पार्ट है आई होप वो आपका कवर हो जाएगा। अगर उसमें भी कवर नहीं होता है तो मैंने काफी साल पहले एक बुक ली थी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय पाठक के नाम से एक बुक है। इसमें आप बेसिक्स आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, बैंक्स क्या हैं, बैंक्स के टाइप क्या हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं, या फिर RRBs क्या हैं, या फिर मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, ये सब इस बुक्स में दी हुई है। अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। एक बुक और मेरे पास जो थी रमेश सिंह की थी, इकोनॉमी की, जो UPSC एस्पिरेंट जनरली यूज करते हैं, ये मैंने काफी पहले कॉलेज में ही एक बार परचेज की थी, तो पुराना एडिशन नहीं था। उस टाइम ही मैंने बेसिक्स कवर कर लिए थे इसमें से कि फॉर एग्जांपल रेपो रेट क्या होती है, मनी टाइप ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, ये सब भी इसमें आई थिंक दिया हुआ है, या फिर आप इसमें से कवर कर सकते हैं। तो ये तीन चार कॉम्बिनेशन है, इसमें से आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से जो भी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके हिसाब से आप बेसिक्स एक बार कवर कर लीजिए, उतना काफी रहेगा स्टडी के लिए। और एज आई सेड कि आप गूगल को एक्सटेंसिवली यूज करिए, उस टर्म को डायरेक्टली आप गूगल करिए तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। बेसिक्स जो स्टैटिक पार्ट आपका कवर हो गया ना, उसके बाद एक और स्टैटिक और डायनेमिक का मिक्स आता है गवर्नमेंट स्कीम्स का। गवर्नमेंट स्कीम्स का पोर्शन इसमें अप्रोक्सीमेटली 40-50% का रहता है पूरे ESI पेपर में। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए सबसे बेस्ट जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वो ये हो सकती है कि आप इंडिविजुअल मिनिस्ट्री वाइज साइट पर जाइए और उसमें देखिए उन्होंने कौन कौन सी स्कीम्स मेंशन की हुई हैं।
हर एक स्कीम के ऊपर क्लिक करके उसका कुछ पैराग्राफ वगैरह दिया होगा, वो आप आरबीआई क्या करते थ्रोली वो पैराग्राफ कॉपी कर देते हैं एग्जाम में ना, वो एक मिनिस्ट्री की वेबसाइट से पैराग्राफ उठाया और उसकी कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन वो ब्लैंक कर देंगे और आपसे पूछ लेंगे डायरेक्टली। इस बार भी ग्रेड बी 22 में भी ऐसा ही हुआ था, किसी मिनिस्ट्री से डायरेक्ट उन्होंने पैराग्राफ उठाया हुआ था। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी कंपाइलेशन, कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन की कंपाइलेशन होती है कि गवर्नमेंट स्कीम्स की, आप एक बार खुद जाके एक मिनिस्ट्री वाइज थोड़े से एफर्ट करिए, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो भी थोड़ा सा सोशल इंक्लिनेशन जिसमें है, आप सिलेबस में भी कुछ कीवर्ड्स मेंशन है उनके हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। वैसे ट्राई करिए कि मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज को आप कवर कर लें, इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया कि इनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे भी कुछ नोट्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, वो हम देखते हैं कैसे शेयर करना है, किस फॉर्मेट में है, वो मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जब तक तो आप खुद मिनिस्ट्री वाइज या स्कीम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक नोट्स भी किसी काम के नहीं है। तो आप सबसे पहले खुद एफर्ट लगाइए और मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स के एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एक फोल्डर मिनिस्ट्री स्कीम्स का बनाइए और मिनिस्ट्री वाइज उसमें एक वर्ड फाइल बनाइए या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, एक नोटबुक टाइप बना लीजिए। और उसमें मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ऑनलाइन ही नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि फर्स्ट तो आपको राइटिंग में कीवर्ड जब आप यूज करेंगे तो आपकी हेल्प होगी, और सेकंड ये थोड़ा कन्वीनियंट रहता है अपडेट करना। गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप उसके बाद प्रिपेयर कर लेंगे, तो उसके बाद आता है करंट अफेयर का पार्ट, कि इस जो आपके स्टैटिक पार्ट है उसको आप कैसे अपडेट करना है। करंट अफेयर में सबसे पहले मैंने बताया कि न्यूज़पेपर एक मस्ट है, आप एक न्यूज़पेपर कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो करिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, मैंने प्रिपेयर किया था इंडियन एक्सप्रेस से, उसको आप थरोली देखना। इकोनॉमी वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल वाला है, लेकिन इतना हैवी वेट एडिटोरियल में आपको जाना नहीं है, ये यूपीएससी टाइप के लिए होता है कि बहुत ही ज्यादा आपको समझ में ना आए और उसका पीछे पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। बेसिक्स आप देख लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर आपके सिलेबस में डायरेक्टली कुछ मेंशन है तो वो आर्टिकल उस न्यूज़पेपर में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है अपडेट करनी है तो न्यूज़पेपर में से कहीं नोट डाउन कर लो, डायरेक्ट आपके जो भी आप नोट्स बना रहे हो वर्ड फाइल में या कहीं भी, किसी स्कीम का मान लो कुछ पैरामीटर चेंज हुआ है या कुछ स्कीम का नाम चेंज हुआ है, तो डायरेक्टली आप न्यूज़पेपर से भी अपडेट कर सकते हो। सेकेंड सोर्स जो है करंट अफेयर्स का वो है पीआईबी की वेबसाइट। मैं जैसे मैंने बताया कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, तो ऑफिस में मैं क्या करता था ना, पीआईबी की वेबसाइट से एक मैंने ऑफिस के डेस्कटॉप में एक वर्ड फाइल बना रखी थी, मैं हर रोज पीआईबी की वेबसाइट पर जाकर एक एक इंडिविजुअल न्यूज रीड कर लेता था। थोड़े दिन आप पढ़ेंगे ना उसको, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज लग रही है उसमें से कुछ पोर्शन आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उसके वो उस वर्ड फाइल में कॉपी कर लो और उसको मेंटेन करते जाओ। आपको प्रीलिम्स की एग्जाम डेट से कम 6-7 महीने पहले तक का आपके पास पीआईबी का पूरा थ्रोली होना चाहिए। अगेन कंपाइलेशन में जाओगे तो कुछ हेल्प आई डोंट थिंक सो की होगी, क्योंकि आप जब खुद प्रिपेयर करेंगे तभी आप रिटेन कर पाओगे और तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने तो खुद एक इंडिविजुअल हर रोज मैं पीआईबी वेबसाइट पर जाता था, अगर इंडिविजुअली या डेली में नहीं कर पा रहा हूँ तो हो सकता है 2 दिन या 3 दिन का एक दिन में मैं कवर कर लूँ, लेकिन आपको पूरा खुद कवर करना है। और पीआईबी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है कि जब ईयर एंड में एक रिव्यू देते हैं, रिव्यू ऑफ फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरे का पूरे साल का कैलेंडर ईयर का, आई थिंक दिसंबर एंड में या फिर जनवरी में स्टार्टिंग में आता है, वो आपको रिव्यू हर मिनिस्ट्री का जरूर देख लेना है। उसमें पूरा मेंशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम में हमारे केपीआईज या पैरामीटर्स ये थे, इतना हमने अचीव कर लिया है, इतना अचीव करना है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टारगेट्स क्या थे इस पर्टिकुलर स्कीम में और हमने कितना कवर कर लिया है या आगे का हमारा क्या प्लान है। तो पीआईबी बहुत ही जरूरी है, इसको आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि रोज की रोज ही फॉलो करें। थर्ड थिंग जो आपको करनी है वो है आरबीआई की वेबसाइट। आरबीआई की वेबसाइट पर जो भी व्हाट्स न्यू करके कुछ सेक्शन है उसमें अपडेट होता है रोज, कुछ नया नोटिफिकेशन आ गया, कुछ रेगुलेशंस चेंज हो गया, तो वो भी आपको एक बार देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल अभी एनबीएफसीज की कुछ पीछे कुछ उन्होंने 3-4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, स्केल बेस्ड रेगुलेशन वगैरह के नाम से कुछ, तो हो सकता है कुछ पार्ट फाइनेंस मैनेजमेंट में आ जाए, कुछ ईएसआई में आ जाए, लेकिन आरबीआई वेबसाइट को आपको फॉलो करते रहना है और अपने नोट्स में कहीं ना कहीं उसको अपडेट कर लीजिए कि एनबीएफसी का ये अभी स्केल बेस्ड रेगुलेशन आ गया, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कोई एक पीछे विश्वनाथन कमेटी आई थी, तो ये सब आरबीआई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि आपको मंथली पीडीएफ तो आप पढ़ी गई, या फिर अड्डा के ले लीजिए या फिर अफेयर क्लाउड के ले लीजिए, उसमें से आप
का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो गवर्नमेंट स्कीम्स का, वो भी दिया होता है उसमें। और रैंकिंग रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स कुछ आती हैं, वो आप उसमें से कवर कर सकते हो, बहुत ही जरूरी होता है। कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि इसमें से इंडिया का रैंक्स कौन सा है, या फिर पैरामीटर्स इसमें कौन से हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो ये सब आप एक बार उसमें से कर लीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये सही में डायरेक्टली जो मैंसनड है वो है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट के आपको स्पेसिफिकली, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर मान लो बजट के बाद एग्जाम होता है, तो बजट के आपको इंडिविजुअल अपने खुद के नोट्स बना लेने हैं। आप उसमें बजट में क्या कर सकते हो कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है उसकी वर्ड फाइल एक डायरेक्टली साइट पे अपलोड होती है, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर कुछ वेबसाइट है, वो आप देख लीजिए या गूगल पे सर्च कर लीजिए कि वर्ड फाइल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच। उसमें आप डायरेक्टली वर्ड फाइल में हाईलाइट कर लीजिए कि इम्पोर्टेंट जो वो कीवर्ड्स हैं जिसपे स्ट्रेस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसी में आप हाईलाइट कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है। सिमिलरली डायरेक्टली आप बजट की फाइल अपडेट कर लो, डाउनलोड कर लो, और एक एक्सेल शीट मैंने प्रिपेयर करी थी कि करंट अकाउंट में कौन कौन से सब हेडिंग्स हैं, कि ये पैरामीटर हैं करंट अकाउंट में, इनकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, आई थिंक 39.5 लाख करोड़ था पिछली बार। तो एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लो, या फिर मैं कहीं डाउनलोड अपलोड कर दूंगा, उसमें से आप डाउनलोड करके उसको अपडेट कर सकते हो। इन नंबर्स भी कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम में कितने करोड़ का कुछ बजट था, या फिर फिजिकल डेफिसिट कितना है, राइट? तो वो सब भी आपको प्रिपेयर कर लेना है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से। अब इकोनॉमिक सर्वे जब हम डाउनलोड करते हैं, काफी सारे क्वेश्चन ये होते हैं कि हमें इसको सर पूरा पढ़ना है, क्योंकि काफी 200-300 आई थिंक पेजेस का होता है। आप उसकी समरी देख लीजिए पहले, वो कुछ समरी सीट वगैरह कहीं से डाउनलोड कर लो, काफी सारी यूपीएससी की वेबसाइट से प्रिपरेशन वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उसमें डाल देते हैं। मैंने इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पूरा रीड नहीं किया था, मैंने बेसिक्स वीडियोस देख ली थी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ नोट कर लिया था कि नोट्स में कि चलो ये फिजिकल डेफिसिट कितना है, या फिर कोई बारबेल स्ट्रेटेजी डाली थी वो क्या होती है, या बेसिक्स बेसिक्स आप कहीं नोट कर लीजिए जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आपको ना दिखेंगे। काफी सारी वीडियोस आप देख लेंगे फ्रीली जो अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, हर कोई कोचिंग वाला डाल देता है कि इकोनॉमिक सर्वे की समरी क्या है, बजट की समरी क्या है, मृणाल भी डालते हैं, तो उनका देख लीजिए अगर वीडियो रिलीज होती है तो वो बेस्ट है। पूरा मैंने तो नहीं पढ़ा था, बाकी कई सारे बच्चे पढ़ते हैं कि पूरा पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लेते हैं, तो वो आपके ऊपर, अगर आपका टाइम परमिट है करता है तो आप देख लीजिए, अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप उसको थोड़ा सा रिस्क लेके स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। दोस्तों हम आरबीआई वेबसाइट की बात कर रहे थे फॉर ये से सेक्शन, इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और आपको देख लेना वो है कि आरबीआई में जो पब्लिकेशंस वाला एक सेक्शन है आरबीआई वेबसाइट पर दिया हुआ है, उसमें आपको जो आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या फिर एनुअल रिपोर्ट, ये वाले आप एक बार डाउनलोड करके पीडीएफ में उसको हाईलाइट कर लीजिए। उसमें से कई बार इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे पूछ लेते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आए हुए हैं काफी बार डिस्क्रिप्टिव में कि व्हाट आर द हाईलाइट ऑफ आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल फेज 2 में क्वेश्चन नहीं आया तो आपका इंटरव्यू में काफी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो आरबीआई पब्लिकेशन भी आप एक बार देख लीजिए, उसमें कुछ 6 मंथली है या फिर ईयरली भी है, या आरबीआई बुलेटिन वगैरह कुछ आते हैं, ज्यादा टेक्निकल उसमें कुछ देखना नहीं है, एक बार आप समरी टाइप कुछ ऊपर से वो रिव्यू देख लीजिए, वो आई थिंक सफिशेंट रहेगा। तो आई होप ये सब आपका ESI का पूरा सिलेबस कवर कर लेगा, मैंने भी इतना ही किया था बस, इतने में हो गया, आई थिंक इतना सफिशेंट है, काफी ज्यादा करने के लिए इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं। काफी दोस्त पूछ रहे हैं कि नोट्स वगैरह का सर क्या करना है, सी नोट्स कोचिंग वगैरह भी इतना आप किसी पे डिपेंड मत रहिए, किसी और के नोट्स हो सकता है आपके लिए इतना काम ना करें, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, ज़्यादा नोट्स की रिक्वायरमेंट है नहीं कि हर चीज़ का आपको नोट्स मेकिंग करनी ही करनी है, कुछ चीज़ें आप जस्ट हाईलाइट करके, स्पेशली आप वर्किंग हो तो इतना टाइम होता नहीं है, तो उतना भी काफ़ी सफिशेंट रहता है। बाकी देखते हैं इन कमिंग डेज कि हम कैसे कर सकते हैं, नोट्स वगैरह जो मेरे पास हैं वो आपको मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ वो हम देख लेंगे। ये सब हो गया प्रिपरेशन का पार्ट। अभी जो मेन चैलेंज है, आपको सबको बताया कि 50% ESI का पेपर डिस्क्रिप्टिव है, आपको टाइप करना है कीबोर्ड से। तो फर्स्ट थिंग कि आप सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लैपटॉप पे ही प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो एक कीबोर्ड ले लो एंड देन स्टार्ट टाइपिंग। जैसे आप नोट्स मेकिंग कर रहे हो तो कीबोर्ड जो आपकी सेपरेट एक्सटर्नल कीबोर्ड लगेगी उसके साथ ही टाइप करिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जस्ट डोंट गो विद नोशन कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर रहे हैं तो वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा।
मेरे आसपास मैंने एग्जाम हॉल में देखे हैं कि बच्चों को उनका आंसर पता है बट वो टाइप नहीं कर पा रहे हैं सफिशेंट, उनको टाइम नहीं मिला, टाइम कम हो गया, या फिर वो टाइप ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी उंगली में दर्द हो रहा है, वट एवर। आपको एग्जाम हॉल में एग्जैक्ट जो भी वहाँ पे सिचुएशन है उसको घर पे कॉपी कर लेना है, कि आप टेबल पे पर्टिकुलरली बैठ के कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, आपको पूरे एक दिन में 3 पेपर वहाँ पे टाइप करने हैं, तो ये सब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका। तो एक रिकमेंडेशन है कि आप कीबोर्ड ले लें और टाइप करना चालू कर दें। सेकेंड, डिस्क्रिप्टिव में आपको प्रिपरेशन ये करने की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव में जो पहले डिस्क्रिप्टिव होता था ना, बीच में ऑब्जेक्टिव हो गया था, तो उससे पहले क्वेश्चंस किस टाइप के आए हुए हैं। अभी 2 साल से डिस्क्रिप्टिव हो तो इस बार क्या पूछ रहे हैं वो, इस बार क्या पूछा था, पिछली बार क्या पूछा था, ये सब गूगल पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा कभी। तो क्वेश्चंस आप एक बार देखेंगे तो फर्स्ट हैंड आपको आइडिया हो ही जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। सेकेंड, आप बेसिक से आप लिखना भी चालू कर दीजिए। ये नहीं है कि आप एक बार बेसिक आपकी प्रिपरेशन होगी 1 महीने के बाद तो आप सोचेंगे कि नहीं मैं लास्ट में ही लिखना चालू करूंगा, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। सिंपल से चालू करिए। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस में है कि वट इज इन्फ्लेशन, उसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, या फिर वट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, या फिर वर्ल्ड बैंक क्या है, इसके जो भी इसकी ये 5-6 टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब क्या करती हैं, इनका काम क्या है। तो बिल्कुल ही RBI ग्रेड में डिस्क्रिप्टिव में सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, कि मैनेजमेंट में भी कई बार आता है कि वट इज ऑर्गेनाइजेशन चेंज, तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं कि वट आर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस ईयर बजट। आई थिंक 21 वाले RBI ग्रेड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था। जब आप ये एक बार करना स्टार्ट कर देंगे देन यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जब आप क्वेश्चन लिखना चालू कर देते ना, तो एक तो आपके जो भी फ्रेंड हैं या फिर कोई घर में है, कोई भाई बहन है, वाइफ है, उनसे आप एक बार रिव्यू करवा लीजिए कि मैं कैसा लिख रहा हूँ। सो हर कोई बंदा अपने हिसाब से कुछ कुछ उसमें एक आपको पॉइंट्स दे देगा, नहीं इसमें आप ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, तो धीरे धीरे करके आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी साथ में प्रिपेयर होती रहेगी। ये नहीं कि मैं एक बार ये कर लूंगा तो लास्ट में जब एग्जाम आएगा तब मैं एकदम से कर लूंगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे भी थोड़ा देख लीजिए, बाकी हम बाद में जैसे जैसे एग्जाम की डेट्स वगैरह आएंगे आगे जाके ना, तो हम देखेंगे कैसे हम डिस्क्रिप्टिव वाले भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं साथ में। आई होप गाइज कि आपकी हेल्प करेगा, और इतना सब कर लीजिए, आई थिंक ESI का हो जाएगा पेपर, डोंट वरी, इतना सब कर लेंगे तो मोर देन सफिशियंट है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कुछ भी क्वारी है तो प्लीज आप मेरे को मैसेज करिए या फिर कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।